तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे शो पे जो गेस्ट आने वाले हैं ये अपनी नई फिल्म में लोगों की जबरदस्ती शादियां करवा रहे हैं, जबरिया जोड़ी बनवा रहे हैं। अच्छा। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में जबरिया जोड़ी की लीड स्टार कास्ट को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एक्टर लाइक मी, माई फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, और दूसरी है जिनका अभी तक मेरे पे क्रश है, प्लीज वेलकम परिणीति चोपड़ा। परी सिद्धार्थ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां इस ब्यूटीफुल कपल के लिए। परी तो पहले आ चुकी है नए सीजन में, सिद्धार्थ पहली बार आए हैं। बिल्कुल नया सेट, नया घर, अरे यार कॉफी शॉप भी है यार। बहुत बिग बजट, हमने तो प्रोड्यूसर सलमान खान रखा हुआ है। अच्छा, वेरी बिग बजट। अच्छा ये जो बैक स्टेज में क्या सुन रही थी, क्या कि किसका किस पे क्रश है? That was true. कपिल वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हें राखी बांधी थी। तुम सैया नहीं भैया हो। पिछले अगस्त में तुम कहाँ थे जरा बताना? पिछला रक्षाबंधन के दिन? पिछला एक साल ना मेरे को याद नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कोई भी कुछ भी बांध के चला जाता था, तो इसलिए फिर anyways परी it's just for fun babes. आज हम बताना चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जबरिया जोड़ी के डायरेक्टर साहब बैठे हैं वहाँ पे। वो प्रशांत सिंह, इनकी डेब्यू पिक्चर है। वाओ कांग्रेचुलेशन सर। तो ऐसे क्यों बैठे हो जैसे आपको भी किसी ने जबरिया बिठा हुआ है? रिलैक्स होकर बैठो ब्रो, यू मेड अ वेरी गुड फिल्म। हमने ट्रेलर देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से बैठो, आप जो खाना पीना मंगवाओ आप। आप लोग फिल्म में बनाते हो तो हमारे एपिसोड बनते हैं भाई साहब। देख लो आज तक हम लोग इतने दिनों से प्रमोशंस कर रहे हैं, प्रशांत कहीं पे नहीं आया, आज कपिल के शो पे आया तो आ गया यहाँ पे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी, मेरी फैमिली मेरे साथ है यहाँ पे, मेरे माताजी पिताजी। अच्छा, मेरी बहन। अरे अच्छा, सब आए। नमस्ते। और ये फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड है कि हमें कपिल शर्मा शो पे जरूर जाना है। आंटी ने प्रीमियर का नहीं पूछा, आंटी ने पूछा कि रिलीज कब हो रही है। अच्छा, उनने ये पूछा कपिल का शूट किस दिन है। तो अब बताओ तुम्हारा क्रश है कि मेरा? छोड़, आई थिंक आंटी का क्रश डेफिनेटली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। और कौन कौन आया सर? हाँ, मेरी बहन। ये पीछे आपके पापा जी? डायरेक्टर यार, पापा आपसे ज्यादा जवान लग रहे हैं। सर बधाई हो, बेटा कमाओ निकला आपका। बहुत कम होता है आजकल, पांच पांच छह छह बच्चे पैदा होते, एक आध सही निकलता, आपका पहले ही सही निकला है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माइक माइक दे दीजिए सर को। भूतपूर्व नौ सैनिक। अरे सर, अरे वाह, नौ सैनिक दुनिया घुमेला। दुनिया घुमेला घुमेला सर, नौ सैनिक बात आपने टपोरियों वाली की है। थैंक यू सर, शुक्रिया, लव यू। थैंक यू सर। बस हमारी किस्मत में आदमी लिखे हैं। बस अंकल से ही मिलेगा ये, याद रखना ये बात। सिद्धार्थ एक बात बताओ, ये साइड वाला फैट कैसे कम होता है? ये हाँ, इसको कहते क्या है? क्या बोलते हैं? लव हैंडल। लव हैंडल्स। आप लव को हैंडल नहीं कर रहे, पर इतना सारा प्यार आ रहा है आपके। मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह एक सेंटीमीटर कम हो जाता है। अच्छा, दो कटोरी आइसक्रीम खाओ फिर बाहर। ये क्यों? आप कौन सी आइसक्रीम? शादी हो गई यार। हाँ, इसीलिए मेरे परवाह भी नहीं है ना, मैं क्या फायदा अभी फिट हो भी जाए ना, क्या फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, तो आप क्या? मैं ठोक रहा हूँ आइसक्रीम दबा के। आप कौन सी आइसक्रीम खाते जो आपका पड़ता नहीं है? आइसक्रीम नहीं खाता, ये नहीं खाता, नहीं खाता। स्टार बनने का क्या फायदा फिर? मेरी दाल रोटी तो कहीं से मिल जाती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है आप सिद्धार्थ, स्टार बनने का ये फायदा है। हाँ, ये मेरी सिंपल सी डाइट है सर। अच्छा, सी फूड। हाँ, देखना है। हाँ, सिर्फ देखना है। सी फूड डाइट। तभी मैं सोचूं ये सब हीरो लोग ऐसे तीखे तीखे मुंह वाले कैसे हैं? परिणीति को तो जब भी मिलता हूँ, और ये रेजर होती जा रही है, इतनी शार्प होती जा रही है। परी इससे ज्यादा कम मत करना अभी, थोड़ा सा फिर अगली बार आऊंगी मैं, दिखूं ना, ऐसा होना चाहिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे? राखी याद रखना, राखी याद रखना। एक बहन अमेरिका चली गई, दूसरी भाई बना रही है, हमारा तो काम ही खराब है, हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे आई नो यू आर हर्ट कि मेरी शादी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए आ जाना चाहिए था। हाय हाय हर्ट। वो तेरी जो बीवी है वो ज्यादा हर्ट है, वो अभी तक शॉक में है।
चोपड़ा साहब, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आइए सिद्धार्थ परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। अच्छा, वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस फिल्म में जबरदस्ती करवा रहे हैं शादियां। एक आदमी की पहले वार्ड लगने वाली, वो भी मर्जी से नहीं। क्यों क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली इसका जो असली रीजन है वो दहेज की प्रथा की वजह से है। अच्छा, हमारे स्टेट में ऐसे रियल में केसेस हैं काफी, जब लड़की की तरफ से लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं जी, और शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इनको जबरिया उठवा लो। एक्चुअली तो उठा के कहीं फेंक देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं, पर ये आपका बड़प्पन है, आप शादी करवा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, देखा, पुण्य का काम करा रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। अब पिक्चर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत, और उसके बीच में हमारी जो एंटरटेनिंग लव स्टोरी है वो है जबरिया जोड़ी। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा, परी जो है इनको सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। पूरे बिहार में कोई शरीफ लड़का नहीं मिला आपको, शरीफ लड़कों को भाई बोल देती, बदमाश लड़कों से आपको प्यार हो रहा है। क्यों बदमाश लड़के पे क्यों दिल आता है आपका? अब पिक्चर साइन की थी, स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था तो करना पड़ा। असल में तो मुझे बहुत अच्छे लड़के पसंद हैं, इसलिए तुम नहीं। तो दोस्तों चलिए फिल्म की बात करते हैं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियों का बोलबाला शुरू से रहा है, जैसे धर्मपाजी या हेमा जी की जोड़ी हो, या शाहरुख सर और काजोल की जोड़ी हो, आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे हॉट बेस्ट जोड़ी कौन सी है? आई थिंक दीपिका रणवीर। ना? हाँ कि ना? तो जवाब दे रहे कि चिढ़ा रहे हो आप हमें? जब परी आती है, मैं और परी भी साथ में बड़े अच्छे लगते हैं टीवी पे। अपनी बीवी का नंबर दो यार, मेरे को बात करनी है उसे। मैं देती हूँ। हाँ, दो दो प्लीज मैम। हाँ, सिद्धू साहब का नंबर दिलाना जरा। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना सिद्धार्थ का एक डायलॉग है कि इस साल हमें एमएलए बनना है और हमारा फोकस जो है बिस्तर से ज्यादा जो है वो कुर्सी पे है। नाइस डायलॉग। कुर्सी के लिए एमएलए बनना जरूरी नहीं है। बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी और बड़े बड़े मंत्री कुर्सियां छोड़ गए। अब तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी है। पता नहीं इधर ही कहीं नहीं नहीं बैठे भी हों कोई कुछ। आई लव सिद्धू जी, आई मिस सिद्धू जी ऑल्सो। क्या उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ। अच्छा, क्लियर कर दिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, सारी दुनिया ना ये सोच रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या बीजेपी आएगी, बीजेपी के जो फॉलोवर हैं वो चाह रहे थे कि वो आए कांग्रेस के। एक अर्चना जी थी जिनको ये था कि कोई भी जीते सिद्धू जी जीत जाए ताकि वो जीत के बिजी हो जाए उधर। परिणीति का एक डायलॉग है फिल्म में, अब हम अभय सिंह को उठाएंगे और जबरिया शादी करेंगे। हाँ। लड़की में डेयरिंग तो है, जो लड़का लोगों की उठा उठा के शादियां करवा रहा है। हाँ। ये उनको उठाने की बात कर रही है। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती। देखो ऊपर वाले, सैफ अली खान क्या आपके साथ सांड गांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं नहीं, देखो सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो। अगले जन्म में सैफ अली खान बनना है। सिद्धार्थ, आपको मौका मिले, इन्होंने जिक्र किया उसी खानदान में एक छोटा तैमूर है। बड़ा क्यूट है वो। ऐसा मस्ती, he's too cute. एक दिन के लिए उसको उठा के, करेक्ट,
फिर वापस है तो बड़ा क्यूट वो बहुत क्यूट है पर मैं पूछ रहा था कि बीवी बनाना हो किसी को उठा के तो उठा ले हैं हैं बीवी को उठा ले मतलब नहीं 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 बीवी अपने लिए आपको उठ चुका है तैमूर उठ चुका है अब एक ही रह गई है बेबो देखो मतलब अगर बेबो कहीं ऐसे अकेले में दिख जाए हां अकेले कहीं मिले और मौका मिले तो उनको कुछ घंटों के लिए इतना मारेगा ना ये अनसेफ कन्वर्सेशन है ये देखो गाइस सिर्फ बेबो को उठाना चाहता है मैं सैफ को उठाना चाहती हूं इसलिए वी आर द बेस्ट जोड़ी ऊपर वाले तू हमें उठा ले हमें कोई उठा नहीं रहा है हम तो बस ये शूट के बाद पपीते उठाने लगे हुए हैं कलिंगड़ उठा के उधर रख दिए उधर से उठा के इधर रख दिए पपीते उठा परी तुम आई हो ये मैं फ्रूट पूछना चाहता हूं इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पेर 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 इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नाशपति हां नाख या नाशपति अच्छा पेंगुइन नहीं लग रहा है देखो पेंगुइन है ना लंबी चोंच वाला सो स्वीट है ना आंखें बना दो और ऐसे सारे फ्रूट ना पता नहीं कुछ ना कुछ लगते हैं ऐसे जैसे ये हो गया ये तो बड़ा ये अखड़ सा भाव वाला होता है कितनी देर छीलो कपिल इसको बताएंगे कपिल ये बच्चा यादव लगता है इंग्लिश में ये बता ये पोमेग्रेनेट वाह अच्छा अच्छा अब स्पेलिंग बता स्पेलिंग नहीं इसका मैं जूस निकाल सकता हूँ ऐसे ज्यादातर जो जुड़ियां बनती है आपस की अंडरस्टैंडिंग से बनती है हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितनों को ये लगता है कि उनकी जो जोड़ी है वो जबरिया बनी हुई है जी मैडम विचार जानना चाहेंगे आपके हेलो कपिल हेलो सिद्धार्थ हेलो प्रदीप्ति माय सेल्फ इज सुजाता सुजाता जी मेरे हिसाब से मैंने अपनी जोड़ी अंडरस्टैंडिंग से बनाई है पर घर वालों के लिए वो जबरदस्ती का हो गया है अच्छा लव मैरिज हुई है होने वाली है होने वाली है नेक्स्ट ईयर में अच्छा जी वाह मुबारक हो आपको बहुत बहुत तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी मैं एक बैड रिलेशनशिप में थी मुझे सिर्फ एक कंधा चाहिए था रोने के लिए टाइम पास के लिए अच्छा हाँ तो एक बंदा था जो फ्रेंड था उसको मैंने बातों बातों में प्रपोज कर दिया टाइम पास घूमने फिरने के लिए तो फिर आपका वेरी गुड चोंच लड़ गई उसके साथ चोंच लड़ी नहीं वो शिप पर था और मैं यहाँ थी वो शिप पे था हाँ क्यों नेवी में सेलर अच्छा और मैं आईएमओ पे उसको टाइम पास के प्रपोज किया उसने अच्छे अच्छे गिफ्ट भिजवा दिए तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया वैसे ही वाह सुजाता वाह ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता आएगा कभी आएगा फिर सर्टेन टाइम बिताने के बाद मुझे लग रहा है कि ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव इन माय लाइफ सो अभी डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर से शादी करना चाहती हूँ वाह वाह आप लोगों की शादी कब है Mostly मैं parents are still not convinced but I have decided ऐसे करो वैसे करो करना तो इसी से अब जबरिया हाँ जबरिया जबरिया भागने का इरादा है नहीं भाग के नहीं अच्छा सर उठा के करेंगे चोरी थोड़ी ना की है क्या बात है वाह अरे बेस्ट आंसर क्या बात है वाह तो पहले बोलती हूँ सर उठा के करेंगे जब फेरे हो रहे होते तब को सर झुका के बैठी रहती हो वो तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है ना शादी के बाद असली रूप दिखाएंगे तो भाई तुम उधर से निकल जाओ ये तो इनका कोई और ही इरादा है कहीं भी जाए आना तो उनको इधर ही पड़ेगा अब शुक्रिया थैंक यू सुजाता और कोई हमारे दोस्त जबरिया जोड़ी जी भाई साहब हाय जबरदस्ती किसके साथ हुई है तो सर आपका नाम क्या है तुलसी शर्मा तुलसी शर्मा सिद्धार्थ जी ने पिक्चर तो आज बनाई है मेरे साथ तो 30 साल पहले ही ऐसा हादसा हो चुका जी मैं राजस्थान से हूँ अच्छा जी यहाँ बॉम्बे में आया था 30 साल पहले बड़े भाई साहब के साथ में 6 महीने हुए पढ़ाई छोड़ के आया थोड़ा बहुत उनके साथ सीखने चालू किया क्या उनके साथ सर्विस उनका जो स्ट्रगल था वो ट्राई चालू किया था अच्छा जी उसी बीच में मेरे को दोस्त की शादी थी राजस्थान चला गया अच्छा जी वहाँ पर पिताजी मामा जी बुजुर्ग लोग सब थे अच्छा जी दोस्त की शादी में मैं बारात में गया पीछे से 2 लड़की वालों को उन्होंने बुला लिया मेरे लिए अच्छा मैं आया सुबह 3 बजे बारात है सुबह 6 बजे मेरे को जगा के दिखा दिया तो फिर मैंने बोला मेरे को तो अभी काम भी किया पढ़ाई छोड़ी है अभी कुछ भी नहीं है 4 जोड़ी कपड़े भाई ने दिलाए क्या करूं हाँ जी
बोले हाँ कर लो, खाली बाकी हम कर लेंगे। चार जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, एक ही जोड़ी पहननी है शादी के बाद, तो वो भी शादी के बाद फिर हाँ कर लिया। एक साल तक हमारी एंगेजमेंट चलती रही, उसके बाद में जबरदस्ती शादी कर दी। कर दी शादी मेरी तो आज तक साथ में ही है जी। आई है साथ में, आज है साथ में है जी। कहाँ है? कहाँ है? यहीं पे है। ओह तो साथ ही थे उनके साथ ही थे जी। यार कितनी प्यारी है, हंस रही है वो आपकी बातों पे। अब तो मेरे लिए भी प्यारी है, उस टाइम नहीं थी। He's amazing. Amazing. क्या बात है। ये हमारे क्रू जबरिया जोड़ी। सर जी उस टाइम दीपिका जैसे तो नहीं थे, लेकिन जो भी हीरोइने थी 30 साल पहले मेरे भी सपने थे। तो आप भी कौन सा निक जोनस थे? अच्छा भाई सर जी एक बात बताइए, अब तो शादी 30 साल हो गए हैं। हाँ जी। बच्चे भी आए हैं आपके साथ में? दो बच्ची है, नहीं लेके आया यहाँ पे, मालूम नहीं। अच्छा शादी आपकी चलो जबरदस्ती हो गई। हाँ जी। बच्चे तो मर्जी से हुए ना। 25 साल पहले दो पर ब्रेक कर लिया था, तीसरे होने ही नहीं दिया। अच्छा तो बच्चे जो है पहले 5 साल में दो हो गए? 7 साल में, 7। 7 साल में। हाँ जी। बाकी 23 साल? बाकी 23 साल मजे मजे। क्या बात है, क्या बात है। मैडम से भी बात कराइए जरा, वो इनकी इच्छा है करे नहीं करे। मैडम नमस्ते जी, कैसे आप? नमस्ते। तो भाई साहब तो बड़ा हंसाते हैं, आपको भी हंसाते हैं घर पे? जी घर पे नहीं है, इधर पहली बार ही हंसे इतना। ये कपिल और कपिल का शो अच्छे अच्छों को हंसा देता है। हमें तो इन्होंने हंसाया आज बहुत। आपको पहली नजर में पसंद आ गए थे? नहीं मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर हाँ कैसे कर दिया आपने? वो घर वालों ने कर दी, क्या है। अरे तो मतलब शादी होने के बाद देखा उनको? हाँ मैंने शादी होने के बाद देखा। तो जब आपने इनका घूंघट, इन्होंने आपका घूंघट उठाया, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपने आंखें मिली आपस में, तो क्या बोला इन्होंने आपसे फिर? कुछ नहीं, नाम पूछा मेरा। नाम भी नहीं पता था? वो भी नहीं पूछा था। तो फिर क्या दूसरी बात क्या बोली? एक तो नाम पूछा, फिर क्या बोलते? बस और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद मतलब ना। यार तो सर काम क्या करते हैं आप? टेक्सटाइल ब्रोकरेज का काम है जी, कपड़े के कमीशन का काम है जी। मुंबई में ही है? मुंबई कलवा देवी मार्केट। अच्छा जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब हेलो सर। हेलो कपिल सर। सर मैं जबरदस्ती तो नहीं हुई, लेकिन करवा रहे हैं घर वाले जबरदस्ती शादी मेरी। करवा तो मैं क्या है, 3 महीने हो गए मुझे घर से, मैं मतलब मुंबई आ गया, और वो घर वाले रोज मुझे फोन करते हैं, रोज बोलते हैं आज ये देखने जा रहे हैं, आज देखने इसको जा रहे हैं, उसको जा रहे हैं। कहाँ है आपका? राजस्थान से हूँ, जयपुर से। सर शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो कहाँ रहती है? मुंबई में। वो अपने नासिक। वो क्यों नहीं करना चाहती आपसे शादी? आई डोंट नो, उसको पसंद नहीं होगा मैं, और क्या। परी और सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कराए नासिक वाली को। हाँ हो सकता है, प्यार करते हैं आप उनसे? सच्ची सच्ची? अरे वाह, शायद आप दोनों रिक्वेस्ट करें तो मान जाए। बिल्कुल। उनका नाम क्या है? सर नाम अच्छा इनको तो पहचानती हूं। अच्छा रिस्पेक्ट करता है लड़की की। वेरी गुड वेरी गुड। रिस्पेक्ट नहीं, डरता है। उसके भाई ने मारे कल। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान खान। फैजान? यस। तो फैजान खान जी की दोस्त मिस एक्स, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप प्लीज इनसे बात करें, इनको एक मौका दें। ये आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, एंड देखो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या आपसे डरते हैं, दोनों में आपका फायदा है। प्लीज एक बार इनसे एक लंच पे चले जाइए, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट। आप खुद उनको क्या बोलना चाहेंगे, एक मैसेज देंगे उनको? बोलो। यही बोलना चाहूंगा, अगर वो मुझसे अगर थोड़ा भी उनको मेरे से प्यार है तो देन वो मेरे को बोले, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही जी लूंगा। क्या बात है भैया, so sweet. उसकी खुशी में मेरी खुशी है। उनकी खुशी में मेरी खुशी है, और इसी बात के अंदर मैंने उसका नाम भी बोल दिया। अच्छा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.